हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की खास वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर किया दिसंबर अटेम्प्ट का, चाहे वो सीएमए इंटर से फाइनल में आए हों या फिर फाइनल से पार करके अपने नाम के आगे सीएमए लगा चुके हों। सबसे पहले तो भाई रिजल्ट के लिए ढेर सारी बधाई। मैं आगे जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो शुरू करते हैं उन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने अपना सीएमए फाइनल कंप्लीट कर लिया है। भाई बहुत बहुत बधाई हो। एंड अब आप अपने लाइफ के ऐसे फेज में आ चुके हो जहाँ पे आपको बाहर जाके दुनिया के साथ मिलना है, रूबरू होना है। तो आज तक जो पढ़ाई वाली लाइफ थी बच्चों, वो आपका गोल्डन पीरियड था, और अब आपकी असली लाइफ शुरू होगी। और असली लाइफ में उतार चढ़ाव, स्ट्रगलिंग फेज, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो आज तक जो बचपन वाला हिस्सा था वो चला गया है। तो आगे आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको से शेयर करना चाहूँगा। ओके बच्चों, तो आप में से जिन लोगों ने अपना फाइनल क्लियर कर लिया है और अब जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ वहाँ, पहले दो दिन ना आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, बैठो एंड कंसंट्रेट करो कि भाई मुझे करना क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई सबसे पहला काम अपना रिज्यूम बनाओ। और रिज्यूम ऐसा मत बनाना जो आप मोस्टली सारे बच्चों के पास है। भाई कॉर्पोरेट लेवल पे एक अलग लेवल का रिज्यूम चलता है, आप कहीं पे भी उसका फॉर्मेट ले सकते हो और बहुत अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। चाहे तो मैं एक रिज्यूम ऐसा फॉर्मेट आपको दे दूंगा, यहीं पे मैं लिंक दे दूंगा, आप इस रिज्यूम को देखना एंड इस तरीके से अपना रिज्यूम बनाओ। रिज्यूम की स्टाइल थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके जितने भी नोन में लोग हैं अपना अपडेटेड रिज्यूम उन सबको दे दो कि भाई मैं नाउ आई एम अ क्वालिफाइंग सीएमए, अगर आपके नोन में कोई भी अच्छी जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब ऐसा हो सकता है बच्चों एक दो जॉब्स आपको पता चले, अब जॉब्स आपको पता चले आपको लगे यार ये मुझे नहीं करनी, स्टिल गो फॉर द इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू स्किल्स अच्छे करो, इंटरव्यू में जाओगे आप ही के स्किल्स अच्छे होंगे एंड जब इंटरव्यू हो जाएगा तब बोल देना कि ठीक है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तो कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। सो ज़्यादा वेट करना पड़े इससे अच्छा यही है कि कुछ कम में कर लो, बट गो फॉर इंटरव्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो आज से ही बच्चों। इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ो, इंग्लिश पे फोकस करो, अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करो। अब ये मत सोचना बच्चों कि इंग्लिश बहुत अच्छी है तो कम्युनिकेशन अच्छा है। जितनी नॉलेज मुझे है अगर मैं वो नॉलेज आपको ठीक से दे सकता हूँ, दैट मीन्स मेरे कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सो आप अपनी नॉलेज को अगर सही शब्दों में सामने वाले तक पहुँचा पाओ सो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। तो कम्युनिकेशन के लिए अपने प्रैक्टिस करो एंड अभी इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट है उसके लिए अप्लाई करो। मैं ये चाहूँगा एटलीस्ट एक बार अप्लाई कर दो, यू विल गोइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। एंड अगर किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि भाई कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कि भाई अब जो पीरियड होने वाला है ना 2 से 3 महीने का, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आप जब पढ़ते थे 8-8 घंटे पढ़ते थे, अब 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी पर फोकस करना है। YouTube पे वीडियोस देखो कि भैया किस तरीके से बैठा जाए, क्या सही पोस्चर हो, बात करते समय आई कांटेक्ट क्या हो, क्या चीज़ें हो, यू नो, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अपने अंदर डाल सकते हो उनको डालो, ये लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों को बुलाओ, नहीं भी बुला सकते तो अपना Zoom पे वीडियो कॉल लो, एक टॉपिक लो और उस पर ग्रुप डिस्कशन करो, यहाँ से भी आपके स्किल्स अच्छे होंगे। तो अब जो काम है ना, बहुत नॉलेज ले चुके हो बच्चों, बहुत पढ़ाई कर चुके हो, अब स्किल्स की बात आती है। एंड याद रखना, स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट नॉलेज एक लेवल तक पहुंचाएगी आपको, और यहाँ से आप कितना आगे जाओगे, कितना तेज भागोगे, ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा। सो धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाते जाएं। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो सीएमए इंटर क्वालिफाई करके फाइनल में आ गए। इन बच्चों में अभी से ही हाहाकार मच गया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अरे रुको रुको, जरा सबर करो, ठहरो, सबर करो, क्या जल्दी है बच्चों ट्रेनिंग करने की। हमेशा याद रखना, आप पिछले कुछ समय से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हो एंड अगर अब पढ़ाई छोड़ी या 6 महीने 1.5 साल की आपने ट्रेनिंग करी तो आपका पढ़ाई से पूरा का पूरा साथ छूट जाएगा। क्यों? 8 से 10 घंटे आप ट्रेनिंग में दोगे, कितना ही टाइम आपके पास बचा होगा और उस कितने ही टाइम में आप कितनी पढ़ाई कर पाओगे। एंड यू नो दैट सीएमए फाइनल में पढ़ाई का लेवल और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीएमए इंटर। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाने की बजाय एक बार अपने 8 सब्जेक्ट कवर कर लो, सारी की सारी पढ़ाई फिनिश कर लो। जब पढ़ाई फिनिश हो जाएगी आपकी, उस दिन के बाद से आप कहीं पे भी ट्रेनिंग ढूंढो। सेम बात आपके लिए भी, रिज्यूम प्रिपेयर करो,
एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करो। एंड एक बार जब आपको लगता है कि भैया आठों सब्जेक्ट की पढ़ाई हो चुकी है, अब रिविजन मोड पे भी हमारा चलता रहेगा, तो अब ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग मोड में आप रिविजन कर सकते हो, बट ट्रेनिंग मोड पे पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सच्ची और सही बात मैं बताऊं बच्चों, एक टाइम पे एक ही काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मल्टीपर्पज खुद को बना लोगे, भाई हम कोई एंड्रॉयड फ़ोन तो है नहीं जो बैकग्राउंड में चार ऐप एक साथ चल सकती है, कि फ़ोन में गाने भी चल रहे हैं और फ़ोन में गेम भी खेल रहे हैं और किसी पे कॉलिंग पे बात भी कर रहे हैं। तो हम इंसान हैं, एक टाइम पे एक काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी यही सजेशन आपको रहेगी कि भाई एकदम ट्रेनिंग ढूंढने की बजाय आप पहले अपनी पढ़ाई को ख़त्म करो, और जैसे ही आपको लगता है कि भाई पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, देन गो फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये जो CMA के एग्ज़ाम है ना, ये एक दलदल की तरह है, अगर इसमें थोड़ा सा फंसे ना तो डूबते चले जाओगे। इसलिए फर्स्ट एम इज़ टू स्टडी एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो ट्रेनिंग जो है ऑफकोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज। तो आप अभी से शुरू हो जाओ, 6 महीने ले लो, 8 महीने ले लो, मुझे पता है 8 महीने में अच्छे से CMA फाइनल के आठों सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए। अगर आप दिन में 8 घंटे भी देते हो, 6 घंटे भी देते हो, तो भी अगले 8-9 महीने में सिलेबस फिनिश हो जाएगा। देन गो फॉर ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग जैसे जैसे होगी, देखिए अगर आप नवंबर में भी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो जून अटेम्प्ट आप दे सकते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग तब तक हो जाएगी जून अटेम्प्ट तक। और उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम दो, अपने जो भी जहाँ से भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उनसे आप बोल सकते हो कि सर अब हमारे एग्ज़ाम में हमें कुछ दिन की छुट्टी दी जाए, एंड इस बीच में ये जो 6 महीने आपका रिविजन चलता रहेगा। सो बहुत सिस्टमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग में तो बच्चों होली पढ़ाई, जो बच्चे ट्रेनिंग करने हैं पूछना उनसे कि कितना ज़्यादा हैक्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता, करने वाले हर लेवल पर हर चीज़ कर लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। सो इट्स बेटर टू डू वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। तो CMA इंटर वालों के लिए बस यही चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहता था। बाकी तो बच्चों लगे रहो और अपने आप को पॉलिश करते रहो। इस दुनिया में करने को लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जस्ट कीप ऑन पॉलिशिंग योर सेल्फ, स्पेशली योर रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। एंड नाउ बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो, एंड सबको बोलो कि भाई पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, अपने आप को पॉलिश करते रहो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।